महिला ने दावा किया है उसे बचपन से ही एलियंस किडनैप करके ले जाते थे। इसके बाद उसे ऐसी तकनीक दिखाते थे जो इंसानों के पास नहीं है। अंतरिक्ष और एलियन से जुड़ी कई खबरें आए दिन आती रहती हैं, जिनमें से कुछ हैरान भी कर देती हैं। ऐसी ही खबर अब इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड से सामने आई है। यहाँ 50 साल की एक महिला ने दावा किया है कि एलियंस ने 52 बार उसका अपहरण किया है। पॉला स्मिथ नाम की इस महिला ने कहा है कि बचपन से ही एलियन उसका अपहरण कर रहे हैं और उसे यूएफओ में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद उसे नई तकनीकें दिखाते हैं। पॉला स्मिथ ने कहा है कि बचपन से ही उनके साथ ऐसा होता आ रहा है। वह कहती हैं कि लोग ऐसा कहने को लेकर उन्हें पागल कहकर बुलाते हैं, लेकिन वह सच कह रही है। ये बात साबित करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर बने चोट के निशान भी दिखाए हैं। यह चोटें अपहरण करते समय आई थी। इसके साथ ही पॉला ने एलियंस की तस्वीर भी बनाकर दिखाई है, जिसमें सिल्वर रंग का दिखाई दे रहा है। वह जानती है कि एलियंस दिखने में कैसे होते हैं। द सन की रिपोर्ट के अनुसार पॉला बताती हैं, मैंने 52 असाधारण घटनाएं अनुभव की है। इनमें कोई चेतावनी नहीं होती और ना ही मुझे पता चलता है कि क्या होने वाला है, वो बस हो जाता है। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि इन सब घटनाओं को सामान्य समझूं, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वह स्पेसशिप पर भी सवार हो चुकी है। पॉला का कहना है, मैं क्राफ्ट में भी और एलियंस ने मुझे वो तकनीक दिखाई जो हमारे पास नहीं है। वह आगे कहती हैं, उन्होंने मुझे प्राचीन दृश्यों को स्लाइड शो दिखाए जिनमें खूबसूरत नदियां दिखाई देती हैं जो बाद में काले रंग में बदल जाती हैं। नीले रंग का आसमान खून की तरह लाल हो जाता है और फिर मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे कि यह धरती की कोई फिल्म है जो इंसानों की लालच से ख़त्म होती जा रही है। पॉला ने कहा कि इसके बाद वह अपने घर आ गई थी। उनके कंधों पर उंगली के निशान थे और उनके चेहरे तक तिकोने आकार वाले चोट के निशान बन गए थे। पॉला स्मिथ ने आगे कहा, सबसे पहले मैंने जो क्राफ्ट देखा वो 1982 का था। मैं लकड़ी पर थी और वहाँ एकदम शांति थी। एक रास्ता संकरा होता जा रहा था और मैं अपने दिल के धड़कनों की आवाज़ सुन रही थी। हर हाथ के आखिर में लाइट थी। मुझे 3 लाइट याद है जिनमें से एक नीली एक हरी थी, लेकिन मुझे तीसरी लाइट का नाम नहीं पता। मेरे परिवार के अनुसार मैं 4 घंटे तक गायब रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद से ही इस तरह के अनुभव ख़त्म हो गए। मुझे मेरे कमरे की खिड़की और मेरे पलंग से ले जाया जाता था।